जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद हैं तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल किला आजाद है तेरे। और आज मैं नसीर साहब को एक संदेश देना चाहूंगा। इस मामले में बहुत कुछ कहा जा चुका है। नसीर साहब को एंटी नेशनल घोषित किया जा चुका है, उन्हें पाकिस्तान जाने की सलाह भी दी जा चुकी है। मगर नसीर साहब, मेरी तरफ से आपको एक संदेश। याद करिए किशोर दा का वो गाना कि कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहां बदनाम हुई। नसीर साहब, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कहेंगे लोगों का काम है कहना। एक बाप ने सिर्फ अपने बेटों की सुरक्षा के बारे में सवाल उठाया, यह कहा कि बुलंदशहर में एक पुलिस अफसर की जान की कीमत नहीं है, एक गाय की जान की कीमत है, मगर हमने उन्हें देशभक्ति का पाठ पढ़ा दिया। मगर ये कौन लोग हैं जो नसीर साहब को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं? आज बोल किला आजाद में तेरे हम इन लोगों को एक्सपोज करने वाले हैं। सबसे पहले गौर कीजिए इन महाशय पर। इनका नाम है अक्षय कुमार, सुपरस्टार हैं। और अक्षय कुमार साहब की खासियत यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े समर्थक हैं। इस कदर समर्थक हैं कि चाहे उनकी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा हो, पैडमैन हो, हर फिल्म में वो बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है। मगर मैं चाहूंगा कि आप अक्षय कुमार का टोरंटो में दिया गया ये बयान सुनिए। दिस इज माई होम, टोरंटो इज माई होम। आफ्टर आई रिटायर फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, आई विल कम बैक हियर एंड स्टे हियर। क्या कह रहे हैं इसमें अक्षय कुमार? अक्षय कुमार ये कह रहे हैं कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो अपने सारे धन के साथ टोरंटो में सेटल हो जाऊंगा। मित्रों, कल्पना कीजिए, यही बात आमिर खान या शाहरुख खान ने कही होती तो हम उनसे क्या कहते कि बेटा खाते भारत की हो और गाते टोरंटो की हो। तो जब अक्षय कुमार या ये लोग हमें देशभक्ति का संदेश देना, तो कम से कम आप उनके इस बयां को जरूर याद कर लें। अब हम रुक करते हैं उस शख्स की तरफ जिन्होंने बाकायदा नसीर साहब को कहा है कि तुम्हें और कितनी आजादी चाहिए। अ वेंसडे में ये दोनों एक साथ थे, यानी कि अनुपम खेर और नसीर साहब। और अनुपम खेर ये कहते हैं कि साहब, इस देश में आप सेना प्रमुख को गाली दे सकते हैं, आप सेना पर पत्थर मार सकते हैं, तुम्हें और कितनी आजादी चाहिए? तो आज मैं आपके सामने एक फैक्ट रखने वाला हूं। क्या आप जानते हैं कि इन्हें पुणे स्थित फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया था और ये वहां पर 12 महीने भी नहीं रहे। 1974 के बाद सबसे कम इस पद पर रहने वाले अनुपम खेर हैं। मगर क्या आप जानते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अनुपम खेर साहब ने कहा कि अमेरिका में मेरे कुछ एक्टिंग असाइनमेंट्स हैं, लिहाजा मैं वहां पर रुक नहीं सकता, इसलिए मुझे अमेरिका जाना है। अब सोचिए, यही तर्क अगर नसीरुद्दीन शाह ने दिया होता कि मेरे अमेरिका में असाइनमेंट्स हैं, लिहाजा मैं FTII छोड़ के जा रहा हूं, तो उन्हें क्या क्या नहीं कहा जाता। मगर क्या इनको कुछ कहा जाता है? नहीं कहा जाता। रामदेव की बात करते हैं। रामदेव ने भी इन्हें देशभक्ति का पाठ पढ़ाया। रामदेव जी, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि आपने रामलीला मैदान में एक आंदोलन किया था, बीच रात आपको महिलाओं के कपड़े पहन के भागना पड़ा था, पुलिस ने उस वक्त आप पर दमन किया था और आपके पक्ष में मैं भी खड़ा हुआ था, आपको याद होगा। मगर क्या आप जानते हैं कि उस वक्त रामदेव पर लगातार उस वक्त की सरकार बना रही थी। आज आप एक व्यक्ति को देशभक्ति की नसीहत दे रहे हैं। उन लोगों के लिए देशभक्ति की बात करना बहुत आसान है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब हैं, और ये जो तीनों मिसालें मैंने आपको दी हैं वो सब उसमें फिट बैठते हैं। अब रुख कीजिए इनका। इनका नाम है तारिक फतेह।
ये पता नहीं कहां से आ गए हैं, और उनका एक ही काम होता है कि भारत के अंदर जो मुसलमान हैं उन्हें गाली देना, उन्हें बदनाम करना, और ये खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोस्त बताते हैं और भारत का दोस्त बताते हैं। मगर आज मैं आपके सामने इनका एक पुराना साउंड बाइट सुनाना चाहूंगा। आप सुनिए किस तरह से तारिक फतेह भारत को तोड़ने की वकालत कर रहे हैं। Places like Punjab should be single entities. It shouldn't have borders. Do you agree with the breakup then? Do you think it's a better of, is it better for the Indian people to break up or no? If it ever dissolves into a voluntary dissolution, it would be the best thing that would happen to India. तो आप बताइए मुझे, कौन है टुकड़े टुकड़े गैंग? लिहाजा जो लोग नसीरुद्दीन शाह को देशभक्ति की सलाह दे रहे हैं, पहले वो अपने आप को आईना दिखाएं। और जानते हैं मुझे सबसे ज्यादा दुख क्या हुआ? जिस दिन ये मामला सामने उभर कर आया, तमाम टेलीविजन चैनल्स पर डिबेट हो रहे थे, तब एक न्यूज एंकर ने कहा कि इस देश ने नसीरुद्दीन शाह पर इतना एहसान किया है, क्या नसीरुद्दीन शाह एहसान फरामोश है? तो मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहता हूं। पहली बात, अगर नसीरुद्दीन शाह ने पार, आक्रोश, जाने भी दो यारों, या दूसरी तरफ त्रिदेव जैसी कमर्शियल फिल्मों में नाम कमाया, उन्हें अवार्ड्स मिले, तो क्या देश ने उन पर एहसान किया है? यह तो नसीरुद्दीन शाह की अपनी मेहनत थी ना। और मैं आज उन न्यूज एंकर से कहना चाहता हूं, डर आपको लगना चाहिए। और क्यों लगना चाहिए मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मणिपुर में एक पत्रकार है जिनका नाम है किशोर चंद। इन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में एक साल के लिए जेल में डाल दिया गया है। और आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने यह कहा था कि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह, वो आरएसएस और बीजेपी की कठपुतली हैं। सिर्फ इसलिए, सिर्फ इतना कहने पर उन्हें जेल में डाल दिया गया। लिहाजा पत्रकारों, आपको भी डर लगना चाहिए। आपको इसलिए डर लगना चाहिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में इन दो नामों पर गौर कीजिए, पहला प्रभात सिंह और दूसरा संतोष यादव। प्रभात सिंह को उस वक्त के बस्तर के आईजी एसआर कल्लूरी ने इसलिए जेल भेज दिया क्योंकि प्रभात सिंह ने व्हाट्सएप पर उनका मजाक उड़ाया था, जेल भेज दिया। संतोष यादव के खिलाफ एक बहुत ही कठोर कानून सीएसपीएसए लगा दिया गया, छत्तीसगढ़ स्पेशल प्रोविजन एक्ट, जो कि नक्सलाइट्स पे लगाया जाता है, और उन्हें 6 महीने से ज्यादा जेल में रखा गया था, टॉर्चर किया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आदिवासियों की बात करते थे। लिहाजा मेरे पत्रकार बंधुओं, डर तुम्हें भी लगना चाहिए। और डर मैं आपको क्यों बता रहा हूं लगना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर दी है। अब इस अधिसूचना के जरिए देश में 9 अलग अलग संस्थाएं आपके कंप्यूटर की जो जानकारी है उसे इंटरसेप्ट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं और डिक्रिप्ट कर सकते हैं। कहने को यह साल 2009 का लीगल प्रोविजन है, मगर मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मोदी सरकार के अंतर्गत प्रेस की आजादी की क्या हालत हो गई है। लिहाजा इस लीगल प्रोविजन को मोदी सरकार क्यों सामने लेकर आ रही है, और मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें अब नई एजेंसीज जुड़ गई हैं जो आपके कंप्यूटर की जानकारी को खंगाल सकते हैं। इसमें इनकम टैक्स शामिल है, दिल्ली पुलिस के अलावा आईबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट सीबीडीटी यानी इनकम टैक्स, डीआरआई, सीबीआई, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, रॉ जैसी एजेंसीज इसमें शामिल हैं। आप जानते हैं आईटी एक्सपर्ट पवन दुग्गल का क्या कहना है? आईटी एक्सपर्ट पवन दुग्गल कहते हैं कि यह प्रावधान पहले से था, मगर ऐसे औपचारिक दिशा निर्देश नहीं दिए गए थे और ना ही विशेष एजेंसीज को यह ताकत हासिल थी। पहली बार इस तरह की विशेष एजेंसीज इसमें शामिल हो रही हैं। और मोदी सरकार साल 2009 के इस लीगल प्रोविजन को नई ताकत देकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के 2 आदेशों की अनदेखी कर रही है। पहला, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसे राइट टू प्राइवेसी को, निजता के अधिकार को बुनियादी अधिकार बताया गया था, ये साल 2017 का फैसला है दोस्तों। दूसरा, आधार को लेके मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी साल आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जिसमें आधार के विवादास्पद सेक्शन 57 को रद्द कर दिया गया था, जी हां, जिसमें प्राइवेट फर्म्स के साथ डेटा शेयर करने का प्रावधान था। अदालत ने केंद्र सरकार को यह भी फटकार लगाई थी कि जल्द
डेटा प्रोटेक्शन लॉ लाया जाए, मगर केंद्र सरकार क्या कह रही है और क्या कर रही है, वो ये 2009 का लीगल प्रोविजन आपके सामने लेकर आ रही है, जिसके जरिए अब आपके कंप्यूटर्स पर सीधी निगाह इनकम टैक्स की होने वाली है। लिहाजा डर आपको भी लगना चाहिए, सिर्फ नसीरुद्दीन शाह को नहीं लगना चाहिए डर, क्योंकि दोस्तों नसीरुद्दीन शाह ने सिर्फ अपने बच्चों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि मैंने अपने बच्चों की परवरिश एक कट्टर माहौल में नहीं की। वो खुद मुसलमान हैं, चाहते तो उन्हें कुरान की आयतें पढ़ा सकते थे, कंठस्थ याद करवा सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा किया नहीं। उन्होंने कुरान की आयतें सिर्फ इसलिए अपने बच्चों को सिखाई ताकि उनका तलफ्फुज अच्छा हो, उच्चारण अच्छा हो। उन्होंने उन्हें कट्टर मुसलमान नहीं बनाया। और ऐसे व्यक्ति की देशभक्ति पर हम सवाल कर रहे हैं, यह हम सबके लिए शर्म की बात है। यह मेरे लिए शर्म की बात है और उन तमाम पत्रकारों के लिए शर्म की बात है जो आज नसीरुद्दीन शाह को पाठ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि डर सिर्फ नसीरुद्दीन शाह को नहीं लगना चाहिए, डर आपको भी लगना चाहिए। धन्यवाद।